गाइज, आप एक आर्टिकल से कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, एक फोटो से कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, वीडियो से कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर अपने पीडीएफ से कैसे मार्केटिंग करके अपने लिए फ्री में अर्निंग की अपॉर्चुनिटी आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने इनके ऊपर बार बार आपको समझाया किस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ अर्न करने के बारे में मैंने आपको बताया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल यूनिक करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ आप कैसे मार्केटिंग करके अपने लिए एक फ्री अर्निंग की अपॉर्चुनिटी कैसे बिल्ड कर सकते हैं, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्योंकि ये थोड़ा यूनिक है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, हर एक पर्सन ये नहीं जानता है कि इससे भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं, तो ये आपके लिए कॉम्पिटिशन को कम कर देता है। तो डेफिनेटली आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, कॉम्पिटिशन कम है, बिल्कुल अर्निंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है, बहुत अच्छा आप अर्न कर सकते हैं ऑन ऑटो पायलट। डोंट वरी अबाउट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, बिल्कुल आपको इजी वे में समझाऊंगा, यानी कि अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप ये कर पाएंगे। ओके, इस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहां पर बात करना जरूरी है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग, मेक मनी ऑनलाइन, एफिलिएट मार्केटिंग, फ्री ट्रैफिक सोर्सेज, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको हर रोज इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। अभी हम इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हैं, आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज, हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मार्केटिंग करने वाले हैं, मतलब अपने किसी प्रोडक्ट को, कंटेंट को डिजिटली प्रमोट करना, लोगों तक पहुंचाना, यही एक डिजिटल मार्केटिंग है। तो ये बहुत ही आसान है इसका कॉन्सेप्ट। तो हमें सिंपली करना क्या है कि एक बहुत अच्छा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना होगा, और एक ऐसा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना होगा जिसके अंदर हमारे लिए एक अर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी हो। ओके, कि वो लोग देखें तो हमें उसके बदले में एक अपॉर्चुनिटी मिले कि हमें वहां से कुछ अर्निंग हो। तो ऐसा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं? ओके, बेसिकली अगर आप लोग जानते हैं पावर पॉइंट के बारे में, तो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं अगर आप लोग टेक्निकली एडवांस हैं। लेकिन मैं बिल्कुल बिगनर्स के लेवल की वीडियो बनाने वाला हूं, तो कैसे बनाएंगे हम ये प्रेजेंटेशन वो मैं आपको समझा देता हूं। इसके लिए सबसे पहले आपने करना क्या है कि हम अर्निंग करना चाहते हैं ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से, तो आपको एटलीस्ट किसी एक एफिलिएट नेटवर्क को ज्वाइन करना होगा, जैसे कि clickbank.com। ठीक है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर क्या होता है कि यहां पर आपको बहुत सारे डिजिटल फिजिकल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, अगर हम लोग उनको प्रमोट करते हैं तो हमारे लिंक से अगर कोई उनको बाय करता है तो हमें यहां पर 75% तक का कमीशन मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग कि हम लोग इस तरह की अर्निंग कर सकते हैं एक सेल से। जैसे कि अगर हम इस प्रोडक्ट को प्रमोट करें और हमारे लिंक पर क्लिक करके कोई इसको बाय कर ले, तो हमें यहां से ऑन एन एवरेज $149 की अर्निंग होगी एक सेल से। अंडरस्टैंड? और इसी प्रकार से यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, देख लीजिए, और हर एक कैटेगरी के आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, काफ़ी डिमांडिंग और अच्छे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल जाते हैं, काफ़ी हाई टिकट प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे जिसके अंदर एक सेल में आपको काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है। ओके, तो या तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं क्लिकबैंक को, अदरवाइज अगर आपको समस्या है क्लिकबैंक के साथ तो फिर आप डेफिनेटली digistore24.com इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिमिलर है क्लिकबैंक के, यहाँ पर भी सेम कैटेगरीज मिलेंगी, वैसे ही प्रोडक्ट मिलते हैं, यहाँ पर आपको 85% तक का कमीशन मिल जाता है या इससे भी अबव मैंने कमीशन यहाँ पर देखा है। ओके, तो यहाँ से हम एक प्रोडक्ट फाइंड करना होगा, कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं अपन एग्जाम्पल के तौर पर। तो गाइज, इस वीडियो में मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर क्लिकबैंक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट आप लोग डिजिस्टोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं जाने वाला हूँ ई बिजनेस एंड ई मार्केटिंग में, ये बहुत ही आसान है, बस आप समझिए। ठीक है, तो मैंने इस कैटेगरी पे क्लिक किया ई बिजनेस एंड ई मार्केटिंग, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, गेट पे टू यूज फेसबुक ट्विटर एंड यूट्यूब, मैं सिर्फ इस प्रोडक्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, तो इसके अंदर क्या है कि ये एक प्रोडक्ट है, अगर मैं इसको ओपन करूँ, इसका सेल्स पेज देख लेते हैं अपन, जिसके अंदर ये लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं, आपको बताते हैं कि आप लोग कैसे सोशल मीडिया से या फिर फेसबुक से कैसे अर्निंग कर सकते हैं, आपसे ये काम करवाते हैं, आपको काम देते हैं उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर करने के लिए, और बदले में आपको यहाँ से अर्निंग होती है। ठीक है, इस प्रकार का ये प्रोडक्ट है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये प्रोडक्ट किस बारे में है। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, इसका सेल्स पेज है ये, ऑनलाइन सोशल मीडिया जॉब्स दैट पे $25 to $50 पर आवर, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, वर्क एट होम। अगर हम इसको प्रमोट करते हैं, आज के समय में हर एक बंदा अर्न करना चाहता है सोशल मीडिया के थ्रू, तो अगर हम इसको प्रमोट करते हैं और हमारे एफिलिएट लिंक पर क्लिक करके अगर कोई इसको बाई करता है, तो हमें यहाँ पर एक सेल से एवरेज $36 की अर्निंग हो सकती है, कम भी हो सकती है, एक सेल से ज्यादा भी हो सकती है, इसकी अब सेल्स वगैरह भी होती हैं।
तो हम ऑन एन एवरेज $36 एक सेल से अर्न कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि मैं इस प्रोडक्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ। इसी तरीके से आप लोग किसी भी प्रोडक्ट को, चाहे वो वेट लॉस का हो, चाहे वो किसी डाइट से संबंधित हो, कोई रेसिपी है, बिजनेस से रिलेटेड है, कोई कोर्स है, कोई वेबिनार है, किसी भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। हमें ये याद रखना है कि हमें एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, ओके। तो वो कैसे बनाना है, इस प्रोडक्ट को मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि इसके एफिलिएट सोर्स पेज में जाना है हमें। इसको मैं ओपन करता हूँ, इसका जो एफिलिएट रिसोर्स पेज है इसमें हम जाएंगे, ओके। तो ये इनका एफिलिएट रिसोर्स पेज है, तो यहाँ पर एक रिसोर्स जो हमें चाहिए, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, वो इसके अंदर है। और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जिनके अंदर ये रिसोर्स होता है, तो वो कौन सा है, ये वाला ऑप्शन, रीब्रांडेबल रिपोर्ट, यानी कि हमें एक PDF चाहिए अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, एक ई-बुक चाहिए। समझ में आ रही है बात, जिस प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाहते हैं अगर हमें उसका प्रेजेंटेशन बनाना है, उसका एक पावर पॉइंट बनाना है, तो हमें क्या चाहिए, हमें PDF चाहिए, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक ई-बुक चाहिए। इस प्रोडक्ट के अंदर है, इसीलिए मैं इस प्रोडक्ट का एग्जांपल ले रहा हूं। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको ईबुक मिलती है फ्री में, बनी बनाई, जिसको कि आप प्रमोट कर सकते हैं उसका इस्तेमाल करके उस प्रोडक्ट को, ओके। तो यहां से हम जनरेट कर लेंगे ये PDF। आप यहां पे देख सकते हैं, एंटर योर क्लिक बैंक ID, तो यहां पर मैं एक क्लिक बैंक की ID दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है, और अपनी क्लिक बैंक की ID और ईमेल एड्रेस देने के बाद आपको रीब्रांड इट यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो ये देखो, ये आपके सामने ये पूरा जो है PDF बन चुका है। आपको ये दो लिंक इन्होंने दिए हैं, इस लिंक के थ्रू आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं सिंपली इस लिंक को ओपन इन न्यू टैब करता हूँ, तो ये देखिए, ये जो PDF है, ईबुक है, वो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, बट स्टिल मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखी है। तो यहाँ से हमें ये ईबुक मिलेगी, इसके अंदर हमारे एफिलिएट लिंक्स होंगे, हर एक पेज के अंदर हमारे एफिलिएट लिंक्स हैं, ओके। चलिए गाइज, मैं इस PDF को या ईबुक को जो हमने डाउनलोड की है उसको मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए, ये हमने ईबुक अभी डाउनलोड की है, इसके हर एक पेज के नीचे हमारे एफिलिएट लिंक लगे हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। जैसे मैं इस पर कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो नीचे हमारा ये लिंक दिखा रहा है। इसके अलावा हर एक पेज के नीचे लिंक लगे होंगे, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसके अंदर हमें इस प्रकार से ईबुक मिल जाती है, जिसके अंदर हमारे एफिलिएट लिंक लगे होते हैं, बस हमें इस ईबुक को प्रमोट करना होता है, ओके। इस ईबुक का हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे, अभी आप वीडियो देखते रहिएगा, तो हमें आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सपोज मान लीजिए कि अगर हमें ये ईबुक ना मिलती इस प्रोडक्ट के अंदर, या फिर कोई आप ऐसा प्रोडक्ट ले लेते हो जिसके अंदर आपको इस प्रकार से PDF या ईबुक ना मिलती, तो मैंने क्या किया, एक PLR ईबुक, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, द पावर ऑफ सोशल मीडिया, एक PLR ईबुक जो कि मैंने फ्री में डाउनलोड की, उसको मैंने ऑनलाइन एडिट किया, ये आप देख सकते हो, स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं, इसको एडिट किया। एडिट करने के बाद मैंने यहाँ पर अपना एफिलिएट लिंक लगा दिया, आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने अपना बिटली से शॉर्ट करके एफिलिएट लिंक लगा रखा है। ये इमेज मैंने लगाई है यहाँ पर, ये पहले से था नहीं, ईबुक में पहले से नहीं था, तो मैंने बाद में लगाया है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट फाइंड कर ले, तो मान लो कि वेट लॉस के लिए आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया जिसको कि आप प्रमोट करना चाहते हैं, जैसे कि कीटो डाइट है ना, कस्टम कीटो डाइट फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर आपको ईबुक नहीं मिलेगी। अगर आपके पास ईबुक नहीं है, तो आपने क्या करना है, ये जो आप वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में जाना है आपने, तो यहाँ पर आपको सेकंड लिंक दिखेगा, आपको देख सकते हैं, हाउ टू यूज PLR ईबुक्स, ओके। इस वीडियो को आपने देख लेना है, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक फ्री में एक शानदार ईबुक बनी बनाई बना सकते हैं। आपको ईबुक फ्री में मिलेगी, आप अपने लिंक्स उसके अंदर लगा पाएंगे, अपने एफिलिएट लिंक्स, ओके। तो इस वीडियो को आपने देख लेना है। और दूसरा ये वाला, हाउ टू यूज फ्री ईबुक्स फ्रॉम क्लिक बैंक एंड डिजिस्टोर, इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं, ओके। तो एट दी एंड हमें एक ईबुक चाहिए जिसके अंदर हमारे एफिलिएट लिंक्स हों, अंडरस्टैंड। तो अभी मेरे पास तो ये ईबुक है, इसके अंदर मेरे एफिलिएट लिंक है, इसके अलावा मैंने एक और भी ईबुक बना रखी है। तो अब हमें करना क्या है कि हमें इस ईबुक को कन्वर्ट करना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। जैसा कि मैंने आपको कहा, आप लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपने द्वारा भी बना सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके, या फिर गूगल स्लाइड्स का इस्तेमाल करके आप बना सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से बिल्कुल आपने ईबुक बना लेनी है अपनी। पहले ईबुक बनाने के बाद आपको गूगल में जाना है और वहां पर सर्च करना है PDF टू PPT कन्वर्टर। PPT का मतलब होता है पावर पॉइंट, ओके। और PDF टू PPT कन्वर्टर आपने सर्च करना है, ये आपको वेबसाइट मिलेगी यहाँ पर, जिसका नाम है smallpdf, ओके, smallpdf.com। इस वेबसाइट पे आपने चले जाना है, और इस वेबसाइट पर आने के बाद सिंपली सबसे पहले आपको यहाँ से अपनी PDF या फिर वो ईबुक जिसको आप पावर पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, PPT में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो ये आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, फाइल अपलोड हो रही है यहाँ पर, और जैसे अपलोड हो जाएगी, ये अपने आप कन्वर्टिंग यहाँ पर लिखा आ गया, आप देख सकते हैं अभी ये कन्वर्ट कर रहा है। हमारे पास एक ईबुक था जिसको मैंने आपके सामने डाउनलोड किया,
और उसके बाद हम इस पीडीएफ को कन्वर्ट कर देंगे पीपीटी में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। ये आप देख सकते हैं कन्वर्ट हो चुका है, इसको आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ओके, हमें कुछ पे नहीं करना है इसको यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए, हमने इसको डाउनलोड कर लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ, इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को। ओके, आप देख सकते हैं ये ई बुक थी पहले, ये पीडीएफ था, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप हम स्लाइड नेक्स्ट करके अलग अलग स्लाइड्स पर जा सकते हैं, और इसके अंदर लिंक जो है वो टोटली हमारे क्लिकेबल रहने वाले हैं। और जिस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ पर हमने इसको प्रमोट करना है, वहाँ पर भी लिंक आपके क्लिकेबल रहते हैं। देखो हर पेज में लिंक लगे हुए हैं, सारे हमारे एफिलिएट लिंक्स हैं, और इस पीडीएफ को काफ़ी सारे लोग देख सकते हैं अगर हम उस प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वहाँ पर काफ़ी अच्छी पोटेंशियल है, बहुत अच्छे व्यूज़ आपको मिल सकते हैं। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, जो इंटरेस्टेड यूजर होंगे, डेफिनेटली वो इन लिंक्स पर क्लिक करके इस प्रोडक्ट के साथ जुड़ सकते हैं, तो आप लोग फ्री में यहाँ पर एक अर्निंग की अपॉर्चुनिटी बिल्ड करने वाले हो। तो हमने ये प्रेजेंटेशन जो है वो बना लिया है, इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो मैंने एक आपको आसान सा प्रोसीजर बता दिया है प्रैक्टिकली कि कैसे आप फ्री में सिर्फ एक दो क्लिक्स में एक बहुत ही अच्छा वैल्यूबल और एक ऐसा प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं जिसके अंदर की आपके लिए अर्निंग की अपॉर्चुनिटी होगी। बस हमें करना क्या है कि इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को शेयर करना है, प्रमोट करना है, ऑडियंस के सामने लेके जाना है। तो कहाँ पर इसको प्रमोट करना है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं आपको एक साइट बताने वाला हूँ, और इसके अलावा भी बहुत सारी साइट्स हैं जहां पर आप प्रेजेंटेशन को अपलोड कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो साइट है इसका नाम आप देख सकते हैं powershow.com। ओके, powershow.com, यहां पे आपने आ जाना है। सबसे पहले आपको यहां पर आने के बाद साइन अप का एक बटन दिखेगा, इस पे आपने क्लिक करना है और बिल्कुल फ्री में अपना यहां पर एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जिसके अंदर की आपको यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड क्रिएट करना है सिंपली। उसके बाद आप यहां पे साइन अप कर सकते हैं। आपको अपना ईमेल कंफर्म करना पड़ेगा, तो वो कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूं किस प्रकार का इसका इंटरफेस है, कैसे इसकी एंगेजमेंट है, कैसे हमें अपना ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमने बनाया है कैसे हम इसके अंदर अपलोड करेंगे। तो गाइज अभी मैंने इस साइट में लॉगिन कर लिया, आप देख सकते हैं माय अकाउंट का ऑप्शन है, और यहां पर मैंने सर्च किया हुआ है मेक मनी ऑनलाइन। ओके, मेक मनी ऑनलाइन सर्च किया मैंने, यहां पर 5000 प्लस हमारे सामने रिजल्ट है, इतने सारे प्रेजेंटेशन लोगों ने यहां पर अपलोड किए आप देख सकते हैं। और इसके अंदर ये वाला एक पावर पॉइंट जो है, ये वाला जो कंटेंट है, मैंने इसको नई टैब में ओपन कर रखा है जस्ट दिखाने के लिए आपको किस प्रकार की एंगेजमेंट है। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ व्यूज। ओके, आप देखिए 55,254 व्यूज मिले हैं। हालांकि ये काफी पुरानी प्रेजेंटेशन यहाँ पर अपलोड की गई है, लेकिन हम इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर अच्छे खासे व्यूज की पोटेंशियल है, काफी अच्छा और एंगेजिंग प्लेटफॉर्म है। इस साइट का ट्रैफिक मिलियंस में है। ओके, तो इसके अंदर एक और चीज है कि जो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे ना, इसका मैं URL यहाँ से कॉपी करता हूँ, वो गूगल में भी इंडेक्स होता है। कैसे आप चेक कर सकते हो गूगल में इंडेक्स हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पर ब्राउजर में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको इस तरह से साइट लिखना है, SITE साइट, उसके बाद आपको कोलन लगाना है, ये वाला निशान आप देख सकते हो। देन जो आप URL आपके पास है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि वो गूगल में इंडेक्स है कि नहीं, वो आपने यहाँ पर पेस्ट करना है और इसको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो अगर वो गूगल में इंडेक्स है तो आपको शो हो जाएगा, इसका मतलब कि ये गूगल में इंडेक्स्ड है, आप देख सकते हैं। तो जो भी हम डॉक्यूमेंट या फिर प्रेजेंटेशन यहाँ पर अपलोड करेंगे वो गूगल में इंडेक्स होता है। तो गूगल से भी अगर आपने बहुत अच्छा वैल्यूबल अच्छा टाइटल लिख दिया है, उसका लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड से रिलेटेड अगर आपने कुछ अपलोड किया है यहाँ पर प्रेजेंटेशन, तो डेफिनेटली आपको इस प्लेटफॉर्म से तो व्यूज मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके अलावा आपको गूगल से भी अच्छी खासी इंगेजमेंट मिल सकती है। और आपने एक बार अगर आपने यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन अपलोड कर दिया तो काफी समय तक यहाँ पर रहने वाला है, तो आपको धीरे धीरे ऑन ऑटो पायलट अपने आप व्यूज मिलते रहेंगे, और एक ऑटो पायलट वे में आप अपने लिए फ्री में करने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाले हो। और जैसा कि मैंने आपको कहा, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी साइट्स होती हैं, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उनके बारे में भी आपको बता दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी साइट है। यहां पर अकाउंट बनाने के बाद सिंपली हमें यहां पर अपलोड का एक बटन दिख रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। जो हमने अभी एक ईबुक से एक प्रेजेंटेशन बना लिया है, कन्वर्ट कर लिया है उसको हमें यहां पर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए सिंपली सबसे पहले यहां पर ये जो ब्राउज का सेक्शन है, इस पे क्लिक करके आपने उस पावर पॉइंट फाइल को सिलेक्ट कर लेना है जो अभी हमने बनाई थी। ओके, तो मैंने फाइल वो सिलेक्ट कर ली है। अब इसके लिए ना मैंने टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, और ये मेरा एफिलिएट लिंक भी है, तो मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन कहाँ से लेना है, तो सिंपली जो आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं उसके एफिलिएट पेज पे जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वहाँ पर एक ईमेल स्वाइप का ऑप्शन होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। और ये क्लिक बैंक और डिजिस्टोर में सभी में मिल जाते हैं ईमेल स्वाइप, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लिखे हुए ईमेल्स मिल जाएंगे। तो इनकी ये जो हेडिंग होती है सब्जेक्ट लाइन, इसको आप टाइटल में यूज कर सकते हैं, और ये डेटा जो होता है इसको आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने कॉल टू एक्शन बटन भी दिए होते हैं, तो वहाँ पर आप चाहें तो अपना एफिलिएट लिंक भी लगा सकते हैं। ओके,
तो मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया है। टाइटल के बाद में हमें यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन देना होगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन विद द एफिलिएट लिंक कॉपी करूँगा। हालांकि लिंक लगाने की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो ये हमने डाल दिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक पब्लिक और प्राइवेट का ऑप्शन है, तो हम इसको यहाँ पर पब्लिक रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको टैग्स लगाने होते हैं अप टू 50, उससे रिलेटेड आप टैग्स लगा सकते हो। लेकिन मैंने देखा है कि अगर मैं यहाँ पर टैग्स लगाता हूँ ना, तो मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पर अपलोड नहीं होता है। ओके, तो वो एरर देता रहता है टैग्स से, टैग्स के संबंधित पता नहीं चलता क्या एरर दे रहा है वो। लेकिन आप टैग्स मत लगाइएगा, ठीक है? अगर नहीं लगाते हैं तो अपलोड हो रहा है। यहाँ पर कैटेगरी में जाएंगे और इसको हाउ टू और एजुकेशन में सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टर्म्स ऑफ कंडीशन इसको टिक करेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये ऊपर वाले सेक्शन पे टिक होना चाहिए, अपलोड ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, क्योंकि हम लोग एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपलोड कर रहे हैं जो कि इन फॉर्मेट्स में होता है। ओके, आप देख सकते हैं इतना सा काम करना, यानी कि हमने टाइटल दिया, डिस्क्रिप्शन दिया है, इसको पब्लिक पे क्लिक किया है और अपनी फाइल को सिलेक्ट किया है। उसके बाद सिंपली आपको अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने मुझे बताया कि यू प्रीवियसली अपलोड दिस टाइटल, यानी कि मैंने अभी अभी इससे थोड़ा समय पहले ही यही फाइल अपलोड की थी प्रैक्टिकली। तो अभी अपन क्या करने वाले, इसको मैं यहाँ से क्लोज करूँगा और इसका टाइटल जो है वो चेंज कर दूंगा, ताकि आपको ये ना रहे कि अपलोड नहीं होती है। तो यहाँ पर हम दोबारा कोशिश करते हैं और डेफिनेटली इस बार ये अपलोड हो जाएगी, क्योंकि ये फाइल मैं पहले अपलोड कर चुका था। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं योर प्रेजेंटेशन हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, वी विल नाउ प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन टू डिस्प्ले ऑन powershow.com। ओके, यानी कि थोड़ा सा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, कपल ऑफ सेकेंड्स आपको वेट करना पड़ेगा, ये प्रोसेसिंग करेंगे उसको शो करने के लिए आपके अकाउंट में और इस साइट में। और जैसे ही ये कन्फर्म हो जाएगा, सही हो जाएगा, सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा, विद इन 1 or 2 मिनट आपको आपके पास एक ईमेल भी आ जाएगा, ठीक है, कि आपकी वो फाइल जो है वो रेडी हो चुकी है। तो मैंने जो पहले अपलोड की थी, इसीलिए मैंने पहले अपलोड की थी, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो मैं माई प्रोफाइल पे जाऊंगा, माई प्रोफाइल पे जाने के बाद माई अपलोड्स पे जाएंगे, और जैसे ही हम माई अपलोड पे जाते हैं तो यहाँ पे देखो ये दोनों ही शो कर दी अभी हम इसने, आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पर अपलोड की थी, जिसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए कितना टाइम लगा है, अभी हमने अपलोड किया था, तो पहले एक मैंने पहले अपलोड की थी, एक जो अभी अपलोड किया, दोनों ही यहाँ पर अपलोड हो चुकी हैं। तो अभी इसको हम यहाँ पर ओपन करके देख लेते हैं। ओके, तो ये फाइल हमारी यहाँ पर ओपन हो रही है। ये देखिए बहुत ही अच्छा टाइटल हमने दिया है। हालांकि जो फाइल मैंने वहाँ से डाउनलोड की थी ईबुक वाली, उसका इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने जो फ्री में अपनी द्वारा ईबुक बनाई थी उसको एडिट करके उसका इस्तेमाल किया है। और साइड में आप देख सकते हो ये हमें यहाँ पर शो हो रही है। इसके अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे तो यहाँ पर आप इसका कॉन्टेंट जो है वो देख पाएंगे। ये देखिए, ओके, ये लिंक यहाँ पर क्लिकेबल रहता है, आप देख सकते हैं, और इसको आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई भी यूजर डाउनलोड कर सकता है। इसको फुल स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, तो इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और नीचे आपको पता चलता रहेगा कितनी इंगेजमेंट है। अभी देखिए नंबर ऑफ व्यूज 1 है, अभी हमने अपलोड किया, आप देख सकते हैं 19 मार्च 2022, और ये मेरा यूजर नेम आप देख सकते हैं। 12 पेजेस की ये स्लाइड्स, यानी कि 12 स्लाइड्स की ये एक प्रेजेंटेशन है, और अभी एक ही व्यू है क्योंकि वो हम ही ने ओपन किया है। यहाँ पर धीरे धीरे इस पर डेफिनेटली व्यूज आएंगे, तो आप ऑन ऑटो पायलट वे यहाँ पर एक अच्छी अर्निंग करने वाले हो, बिल्कुल फ्री में। और ऐसी और भी बहुत सारी साइट्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करके इस प्रेजेंटेशन को प्रमोट कर सकते हैं। ओके, और ये यूनिक वे है, सभी लोग PDF से तो मार्केटिंग कर ही रहे हैं अभी के समय में। मैंने आपको बहुत सारी साइट्स बताई हैं और उनके बारे में बताया है, और हम लोग यूनिक कर रहे हैं, हम लोग प्रेजेंटेशन के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं। डेफिनेटली इसके अंदर कॉम्पिटिशन आपका जरूर कम होगा और आप लोग आसानी से एक अपने लिए अर्निंग की अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर सकते हो। अब आपने करना पता क्या है, आपने अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर तो करना ही है। और आप में से कौन कौन लोग इस मेथड पर काम करने वाले हैं, इसके लिए आपने यस आई विल ट्राई इट ये कमेंट में जरूर टाइप करना है, जिससे मुझे पता चले कि भाई कौन कौन इस मेथड पर काम कर रहा है। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट है आपका, कोई चीज समझ में नहीं आई, या फिर इसको करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम आए, तो भाई अपनी फुल सपोर्ट है, आपने कॉमेंट करना है। डेफिनेटली मैं आपको कोशिश करूंगा, अगर वैल्यूबल आपका क्वेश्चन हुआ तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ये जो मैंने 2 लिंक दिए है ना, फर्स्ट लिंक और सेकंड लिंक, इनको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसको चेकआउट करने के बाद आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए अपनी एक वैल्यूएबल ईबुक तो क्रिएट कर ही सकते हैं, और फिर उस ईबुक को कैसे आपने कन्वर्ट करना है प्रेजेंटेशन में, प्रेजेंटेशन से कैसे मार्केटिंग करनी है, ये मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। आई होप गाइज आपने एंजॉय किया होगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं जल्दी मिलता हूं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।